हम लोगों को मैक्रो में स्टार्ट करना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पहले भी एक थॉट था जो प्रिवलेंट था और उस थॉट का नाम था मर्केंटिलिज्म। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और इसमें हम लोग जितने भी रेलेवेंट टॉपिक हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, नियरली एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपके यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में आ चुके हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे, सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे, तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको समझ में ना आती हो या जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ओके, नाउ सी गाइस, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आता है जो कि हमें समझना होगा, जो कि होता है इकोनॉमिक थॉट। और इकोनॉमिक थॉट हमेशा डिपेंडेंट होता है। देखिए, हर पीरियड का, हर एज का अलग अलग इकोनॉमिक थॉट होता है। आज कुछ अलग इकोनॉमिक थॉट है, गेटिंग माय पॉइंट। आज से 100 साल पहले इकोनॉमिक थॉट कुछ और रहा होगा, उसके पहले कुछ और था, तो इकोनॉमिक थॉट चेंज हुआ करता है। यानी कि इकोनॉमिक थॉट कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये टाइम के साथ चेंज हुआ करता है। अगर ये सिचुएशंस पे डिपेंड ना कर रहा होता तो इकोनॉमिक थॉट कांस्टेंट रहना चाहिए था, इसे बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए था, पर ये तो चेंज हो रहा है, तो डिपेंड किस पे करता है? तो माय डियर, इकोनॉमिक थॉट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवलेंट एट दैट टाइम। Okay, it is dependent on the economic conditions of those time. ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? Okay, now guys, हम लोगों को मैक्रो में स्टार्ट करना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पहले भी एक थॉट था जो प्रिवलेंट था और उस थॉट का नाम था मर्केंटिलिज्म। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मर्केंटिलिज्म से कि what was actually mercantilism? Guys, ये थॉट आपका राउंड अबाउट 1500 से 1750 AD तक रहा। और मर्केंटिलिज्म में होता क्या था, अंडरस्टैंड, यहां पर यह माना जाता था, इस टाइम पे यह माना जाता था कि अगर किसी भी कंट्री की पावर को डिटरमाइन करना है तो उसकी पावर उसकी वेल्थ से डिटरमाइन होगी। और वेल्थ मींस गाइस, उस टाइम पे जो करेंसी नोट्स हैं वो नहीं प्रिवलेंट थे, रेदर करेंसी में गोल्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे। सो मर्केंटिलिस्ट्स बिलीव दैट मोर इज द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन अ नेशन, मोर पावरफुल दैट नेशन इज। नेशन की पावर का अनुमान उसके पास कितना गोल्ड है इससे होगा। यानी अंडर मर्केंटिलिज्म इट इज अ बून टू गैदर गोल्ड, गोल्ड को गैदर करना एक बून है, ठीक है, एक डिवाइन चीज है। एंड रेदर इट इज अ सिन इफ गोल्ड इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लाइए, ये इस टाइम का मेजर इकोनॉमिक थॉट था और इसी पे कंट्रीज ऑपरेट कर रही थी। तो अपनी कंट्री में गोल्ड लाने का क्या तरीका है? उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि आप दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड करिए, उनको अपने गुड्स सेल आउट करिए। जब आप उनको अपने गुड्स सेल आउट करेंगे तो वो आपको पेमेंट गोल्ड में करेंगे, तो आप अपनी कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ला पाएंगे। यानी कि एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा बाहर के नेशंस में अपने गुड्स एंड कमोडिटीज को सेल आउट करेंगे, उतना ज्यादा आपको गोल्ड में पेमेंट मिलेगा और उतना ज्यादा आपका नेशन पावरफुल होता जाएगा। बोलिए आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, राइट? सो इस टाइम पे एक्सपोर्ट वाज कंसिडर्ड समथिंग दैट अलाइंस विद द इंटरेस्ट ऑफ नेशन रेदर। और अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट वाज कंसिडर्ड एज अ सिन। ये सबसे गिरा हुआ काम हो सकता है उस टाइम के हिसाब से जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करेंगे, आप दूसरे नेशंस के गुड्स और कमोडिटीज को परचेस करेंगे तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, और आप गोल्ड में पे करेंगे तो आपकी कंट्री से गोल्ड ड्रेन आउट हो जाएगा। और पावर किस पे डिपेंडेंट है? पावर तो एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड पे डिपेंडेंट है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स पे डिपेंडेंट है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मर्केंटलिज्म में मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ देयर ट्रेड? वो अपनी कंट्रीज से गुड्स को उठा करके शिप्स के थ्रू दूसरी नेशंस में जा करके सेल आउट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और इससे इनको क्या मिलता था? दे यूज्ड टू गैदर गोल्ड। बोले बात समझ में आई? ठीक है, तो मर्केंटलिज्म के अंडर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इट इज द ओनली वे टू गैदर गोल्ड दैट इज एक्सपोर्ट। बात समझ गए? मर्केंटलिज्म के बाद जो दूसरा थॉट आया वो था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, जो कि 1750 से लेके 1930 तक था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो एक्सेट्रा कई रहे हैं, इन सब ने इस थॉट को प्रोपोगेट किया, एंड दिस थॉट वाज अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। ठीक है, क्या होता है क्लासिकल थॉट, उसमें क्या ऐसी बातें कही गई जो मर्केंटलिज्म के खिलाफ है, किस तरीके से ये थॉट आगे चल के मर्केंटलिज्म को बीट कर देता है और यही इकोनॉमिक थॉट बन जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।